Construct the minimal DFA that accepts all the strings of A's and B's, where every string contains at least two A's. Okay? इसके जस्ट पिछला जो क्वेश्चन आपने किया है उसमें था एग्जैक्टली टू एज, लेकिन अब की बार क्या है, एट लीस्ट टू एज, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें कम से कम दो ए होने चाहिए, उससे ज्यादा ए हो तो नो इश्यू. ओके, तो अगर मैं स्ट्रिंग्स का पैटर्न लिखूं जो इस लैंग्वेज में आ रही हैं, तो क्या होगा, एक्स ए वाई ए जेड. ओके, और अब की बार दो ए की तो हमने ये गारंटी ले ली कि दो ए तो कोई भी स्ट्रिंग लो, दो ए तो है ही है. और जो एक्स वाई और जेड हैं ये क्या हैं, एक्स वाई और जेड हैं ये क्या हैं, इसमें ए और बी कुछ भी हो सकता है. ओके, जो एक्स वाई जेड हैं, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज बीज, एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. ओके, लेकिन आपको ये बनाते समय इसका मींस जो है डीएफए देखते हैं कैसे होगा. अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो एक्स वाई जेड एप्सिलॉन भी हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो मेरा फोकस है स्मॉलेस्ट पे, एक्स वाई जेड तीनों का एप्सिलॉन कर दिया तो ए मिल गया. ओके, अब अगर सपोज करो एक्स को मैं ए कह दूं एक लेंथ की, तो ए ए ए, और मैंने वाई जेड को भी एप्सिलॉन कर दिया, इसको बी कह दिया, बी ए ए वाई जेड को अगेन एप्सिलॉन कर दिया, एंड सो ऑन. इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी. मेरा फोकस है एक्चुअल में इन पर मेरा फोकस नहीं है, स्मॉलेस्ट लेंथ पे था. ओके, तो स्मॉलेस्ट मैंने ये निकाल दिया डबल ए. अब इसको सबसे पहले क्या करूंगा, इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करूंगा. ओके, ये इसको मैंने एक्सेप्ट कराया डबल ए को. अब स्टेट का नाम दे देते हैं क्यू जीरो क्यू वन और ये क्यू टू. अब क्या है, सिस्टम को कंप्लीट करते हैं. ओके, तो एक्स की जगह पर मुझे ऐसा कह रहा है कि ए और बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, लेकिन डीएफए बना रहा हूं. ए का ट्रांजिशन इस पे ऑलरेडी हो रखा है, बी का ट्रांजिशन क्यू जीरो पे बचा हुआ है, तो मैंने कहा ये बी का ट्रांजिशन लूप करा दिया. क्यू वन पर बी का ट्रांजिशन किया क्योंकि ए का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा था. प्रीवियस वाले क्वेश्चन से देखें तो उससे कुछ समझ में आएगा. यहां पर ए दो ए की तो श्योरिटी हो गई, इसके बाद इसको फाइनल स्टेट, और यहां पर क्या कर दूं, ए और बी का लूप कर देता हूं. अब की बार, पिछली बार क्या था, ए के लिए आपने अलग से एक डेड स्टेट बनाई थी ए का ट्रांजिशन दे करके, लेकिन अब की बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ए की गारंटी हो गई, उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ ए आ जाए नो इश्यू. ओके, और एक बात याद रहे, जो भी आप डीएफए बना रहे हैं वो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, कोई स्ट्रिंग बचनी नहीं चाहिए ऐसी कि जो इस लैंग्वेज में हो लेकिन ये एक्सेप्ट ना कर रहा. ओके, तो आप कोई भी स्ट्रिंग सोच लो, सब ये एक्सेप्ट करेगा. ओके, और इस तरीके से अगर मैं ये पूछूं ये डीएफए है, यस, क्या ये एम डीएफए है, यस. ओके, और अगर पूछता है कोई कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, वन टू थ्री, तीन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं. ओके, एंड दैट्स डन.